वेलकम बैक दोस्तों। तो मैं फिर से आया हूँ आपके सामने एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें कि आज हम कंपेयर करने वाले हैं होंडा CD110 ड्रीम BS6 को हीरो पैशन प्रो BS6 मॉडल के साथ, और जानते हैं कि आपके लिए कौन सी बाइक है बेहतर। तो आइए कंपेयर करते हैं इनके इंजन, ब्रेक्स, टायर, सस्पेंशन और प्राइस को, और जानते हैं कि कौन सी बाइक को खरीदना सही होगा। तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, ताकि आपसे कोई भी जरूरी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप गाड़ियों के रिलेटेड हर तरह की जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल SK मोटर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले इन बाइकों में मिलने वाले कलर ऑप्शंस की बात करें, तो यहाँ CD110 BS6 में आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, जिसमें कि पहला है स्टैंडर्ड वेरिएंट। तो इसमें आपको चार कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें कि पहला है ब्लैक विथ रेड, दूसरा ब्लैक विथ ग्रे, तीसरा ब्लैक विथ ब्लू और चौथा ब्लैक विथ गोल्ड। वहीं दूसरा वेरिएंट है डीलक्स वेरिएंट। तो इसमें भी आपको चार कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें कि पहला है ब्लैक, दूसरा गेनी ग्रे, तीसरा इंपेरियल रेड और चौथा एथलेटिक ब्लू। वहीं पैशन प्रो में भी आपको चार ही कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो जिसका पहला है स्पोर्ट्स रेड, दूसरा टेक्नो ब्लू, तीसरा मून येलो और चौथा ग्लेस ब्लैक। तो यहाँ दोनों ही गाड़ियों में आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब इसके लुक एवं स्टाइलिंग की बात करें, तो यहाँ CD110 BS6 में केवल माइनर चेंजेस किए गए हैं, केवल इसका बॉडी ग्राफिक्स अलग कलर ऑप्शंस में ही बदलाव किए गए हैं, बाकी यह गाड़ी पूरी तरह से सेम है दिखने में। वहीं पैशन प्रो को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है बॉडी ग्राफिक्स कलर ऑप्शन से लेकर डिजाइनिंग तक, जिससे कि यह बाइक पहले से काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और रोड प्रेजेंस देने वाली बाइक बन जाती है। पर यह लुक का डिसीजन मैं आप ही पर छोड़ता हूँ, क्योंकि सब लोगों का पसंद अलग अलग होता है। अब इनके इंजन की बात करें, तो यहाँ CD110 BS6 में आपको 109.51 cc का सिंगल सिलेंडर एयरकूल BS6 कॉम्प्लायंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिलता है, जो 8.6 bhp का पावर देता है 7500 rpm पर, और 9.30 nm का टॉर्क देता है 5500 rpm पर, जो कि आता है 4 स्पीड के गियरबॉक्स के साथ। वहीं दूसरी ओर पैशन प्रो में आपको 113 cc का सिंगल सिलेंडर एयरकूल BS6 कॉम्प्लायंट प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिलता है, जो 9.1 bhp का पावर देता है 7500 rpm पर, और 9.79 nm का टॉर्क देता है 5000 rpm पर, जो कि आता है 4 स्पीड के गियरबॉक्स के साथ। तो यहाँ पैशन प्रो आपको थोड़ा ज़्यादा पावर और टॉर्क प्रोवाइड करता है CD110 के कंपैरिजन में। अब इनके सस्पेंशन सिस्टम की बात करें, तो यहाँ CD110 ड्रीम BS6 के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर में हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिलते हैं। वहीं पैशन प्रो के फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जर्वर और इसके रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जर्वर सस्पेंशन सिस्टम मिलते हैं। तो यहाँ कंफर्ट के मामला में दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी कंफर्टेबल है, पर यहाँ पर एक फ़ायदा आपको पैशन प्रो के साथ यह मिल जाता है, इसका रियर सस्पेंशन 5 स्टेप एडजस्टेबल है, जिसे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इन दोनों बाइकों के टायर साइज के ऊपर आते हैं, तो यहाँ दोनों बाइकों के फ्रंट और रियर में 80x100 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। अब इन दोनों बाइकों के ब्रेक्स की बात करें, तो यहाँ CD110 ड्रीम के फ्रंट और रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, और दूसरी ओर पैशन प्रो के फ्रंट में 240mm का डिस्क ब्रेक और 130mm का ड्रम ब्रेक, जो कि ऑप्शन में मिलता है, और इसके रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। अब इन बाइकों में मिलने वाले कुछ फीचर्स की बात करें, तो यहाँ CD Dream में आपको साइलेंट स्टार्ट विद ECG मोटर वाला फंक्शन मिलता है, जिससे कि बाइक बिना उतना ज़्यादा आवाज की स्टार्ट होती है। दूसरा है इंजन किल स्विच, जो कि एक ऊपर सेगमेंट का फीचर है और आपको इस कैटेगरी के गाड़ी में अवेलेबल कराया जा रहा है। तीसरा है DC हैलोजन हेडलैम्प, चौथा पास स्विच, पाँचवा इनहांस स्मार्ट पावर और छठा इंटीग्रेटेड हेडलैम्प बीम। वहीं दूसरी ओर पैशन प्रो के फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको IBS ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, मतलब कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि आपके ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर देता है। और अगला है I3S टेक्नोलॉजी, जो कि आपको फ्यूल सेव करने में थोड़ा बड़ा मदद करता है। तो यहाँ फीचर्स के मामला में CD110 ड्रीम बहुत आगे है पैशन प्रो कंपैरिजन में, क्योंकि यह आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर प्रोवाइड करता है। अब इन दोनों बाइकों की माइलेज की ओर ध्यान दें, तो यहाँ पर दोनों ही बाइक आपको लगभग 65 से 70 km का अप्रॉक्स माइलेज दे देती हैं। तो यहाँ माइलेज के मामले में दोनों ही गाड़ियाँ बिल्कुल सेम है। अब इनके कुछ डायमेंशंस की बात करें, तो यहाँ CD110 BS6 में आपको 1285 mm का व्हील बेस, 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 790 mm का सीट हाइट, 9.1 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी और 112 kg का कर्वेट आपको मिलता है CD110 के साथ। वहीं दूसरी ओर पैशन प्रो में आपको 1270 mm का व्हील बेस, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 799 mm का सीट हाइट, 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी और 118 kg का कर्वेट आपको मिलता है पैशन प्रो के साथ।
अब इनके प्राइस की बात करें तो यहाँ CD110 में आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, जिसमें कि पहला है स्टैंडर्ड वेरिएंट, जिसका एक शोरूम न्यू दिल्ली का प्राइस है 64,505 रुपीज़, और दूसरा है डीलक्स वेरिएंट, जिसका एक शोरूम न्यू दिल्ली का प्राइस है 65,505 रुपीज़। वहीं इस बाइक के ऑनर प्राइस की बात करें तो यह बाइक आपको 75,000 से लेकर 77,000 के बीच में मिल जाएगा। अब पैशन प्रो के प्राइस की बात करें तो इसमें भी आपको दो ही वेरिएंट्स मिलते हैं, जिसमें कि पहला है ड्रम वेरिएंट, जिसका एक शोरूम न्यू दिल्ली का प्राइस है 65,740 रुपीज़, और दूसरा है डिस्क वेरिएंट, जिसका एक शोरूम न्यू दिल्ली का प्राइस है 67,940 रुपीज़। वहीं इस बाइक का ऑनर प्राइस की बात करें तो यह बाइक आपको 78,000 से लेकर 81,000 के बीच में मिल जाएगा। तो यहाँ पैशन प्रो आपको 3 से 4 हज़ार रुपये महंगे पड़ती है CD110 ड्रीम के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं इस वीडियो कंक्लूजन के ऊपर कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर आप एक ज़्यादा पावरफुल और एक मॉडर्न लुक वाली बाइक खोज रहे हैं तो आप पैशन प्रो को ले सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप एक 110 सेगमेंट में एडवांस फीचर देने वाली बाइक ढूंढ रहे हैं तो आप होंडा CD110 के साथ जा सकते हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो इसके लिए स्टे ट्यून्ड।